Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 11th history chapter Path to Modernization. Path to Modernization. Okay, my dear student, as you know that I have discussed this topic in your previous classes also, and I think ki this is third time, ye teesra hamari ye teesri class hogi is topic pe, revision ke baad phir revision. Lekin is chapter ko aap logo ne अगर ठीक से पढ़ा होगा तो इसमें कई सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी. इसमें हमें चार राष्ट्रों का इतिहास, उनके डेवलपमेंट का इतिहास पढ़ने को मिलेगा. ये हिस्ट्री जो है जापान, चाइना, कोरिया, जापान, चाइना एंड देन आफ्टर कोरिया, वियतनाम के बारे में भी हम इसमें थोड़ा बहुत बात करेंगे. लेकिन माय डियर, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस चैप्टर में, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी सूचनाएं दी थी. आई थिंक इफ यू हैव रिमाइंड योर सेल्फ देन यू विल फाइंड दैट व्हाट आई टॉट यू इन योर प्रीवियस क्लास. डियर स्टूडेंट, एज यू नो दैट कि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस the development, how China and Japan became powerful country, how can they develop, path to modernization, किस तरीके से वो modern society की ओर आगे बढ़े, किस तरीके से उनका विकास हुआ, किस तरीके से वो developed country के रूप में बने. ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने कही कि पथ टू मॉडर्नाइजेशन लास्ट टॉपिक को एक बार सर फिर से पढ़ाए. इवन अगेन एंड अगेन आई टॉट यू दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लास एंड ऑल्सो आई यूज द डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. थ्रू दैट आई विल ट्राई टू गिव द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर. बट एज यू डिमांडेड कि हमें ये चैप्टर फिर से पढ़ना है, तो फिर कोई बात नहीं, स्टार्ट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम लोगों ने बातें की थी और हमने कहा था कि 19th सेंचुरी का वो टाइम जब एशिया महाद्वीप में, एशियाई कॉन्टिनेंट्स में एक बड़ा राज्य, बड़ा देश चाइना अवस्थित था. चाइना में क्विंग डायनेस्टी शासन करती थी और फिर वहीं पे एक छोटा सा द्वीप भी था जापान. If you will minutely observe about that, the globe or the international map, political or physical, whatever you have, you should observe that map. And in this map, try to search the country Japan and China. Dear student, you will find that Japan, it is a little bit, very small country. Even the number of island, they are part of the Japan. But
four among them covered 90% of the land of the Japan. Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku. Except it, more than 1600 islands, they are part of the Japan. 1600 से ज़्यादा island Japan के हिस्से हैं. लेकिन उनमें से सिर्फ चार बड़े द्वीप होकाइडो, होन्सु, क्योशु, शिकोगु जापान के हिस्से. ठीक वही हमें एक उसके जस्ट जापान के वेस्ट में हमको एक बड़ा देश दिखेगा, चाइना. इवन चाइना इज एक्सपेंड ऑन वेरी वास्ट टेरिटरी. द डेमोग्राफी ऑफ चाइना दैट वाज वेरी वास्ट. एक बड़े देश के रूप में चाइना की पहचान दुनिया में होती है. चाइना और जापान की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, चाइना और जापान की जो कुछ स्पेशलिटी है, उनको प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा. माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आई वांट टू टेल यू दैट द कल्चरल स्पेशलिटी एंड द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ द जापान एंड चाइना, इट वॉज नॉट अ लिटिल बिट टाइम, इट हैड टेकन अ लॉन्ग टाइम. It was long process of the path to modernization. They modernized, but they covered the long process. एक लंबी दूरी उन्होंने तय की. 19th century की शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर पूरी तरीके से कंट्रोल था. ईस्ट एशिया पे कंट्रोलिंग थी चाइना की. एक लंबी परंपरा के वारिस किंग डायनेस्टी के हाथों में सत्ता थी. ऐसा लगता था कि किंग डायनेस्टी काफी लंबे समय तक इस पर शासन करती रहेगी. एक लंबा समय लगेगा किंग डायनेस्टी शासन करने, लेकिन उसके जस्ट अपोजिट एक छोटा सा नंदा द्वीप जापान, जो अपनी एक अलग इतिहास लिखने के लिए तैयार था, लेकिन परिस्थितियां बदले, टाइम बदला. चीन में अशांति आई, किंग डायनेस्टी के हाथों से सत्ता निकलने लगी. फिर चीन को कॉलोनियल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और फिर चीन की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगी, या हम कहें उतर गए. ठीक उसके अपोजिट जापान एक आधुनिक राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा था. एक तरफ चीन में सिविल वार हो रहे थे, एक तरफ चीन में पॉलिटिकल इंबैलेंस हो रही थी. क्विंग डायनेस्टी पूरी तरीके से अपने हाथों से सत्ता निकलते हुए देख रही थी. वहीं अपोजिट जापान विकास की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उसने किया. 1895 में उसे ताइवान तथा 1910 में कोरिया को उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया. अब यहां पे जापान के कॉलोनियल एक्सपेंशन को समझिए. जापान आधुनिक राष्ट्र का निर्माण कर रहा था, औद्योगिक अर्थतंत्र को विकसित कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बाउंड्री को भी एक्सपेंड कर रहा था. ताइवान 1895 में उसके अंडर में आ चुका था, कोरिया 1910 में उसने मिलाते हुए एक कॉलोनियल एम्पायर को स्टेब्लिश करने में उसने सफलता प्राप्त की. 1895 और 1910 ताइवान, कोरिया है ताइवान 1895 एंड 1910, ये दोनों देश किसके पार्ट बने? जापान
जापान ने क्या किया, जापान ने एक साथ दो मोर्चों पे आगे बढ़ा। फर्स्ट साइड ही डेवलप्ड देयर इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, फैक्ट्री, ट्रेड, या इकोनॉमी में करें, इकोनॉमी में क्या क्या होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाई, ट्रेड को प्रमोट किया, और वहीं दूसरी तरफ उसने क्या किया, अपने कॉलोनियल एम्पायर कॉलोनियलिज्म को भी उसने प्रमोट किया। ओके, तो आपने क्या देखा, डेवलपमेंट ऑफ यहां से जोड़े तो अच्छा रहेगा, दो कॉलम में, एक उसने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी एंड देयर आफ्टर ही आल्सो एक्सपेंड देयर बाउंड्री विद द हेल्प ऑफ द कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण की सिस्टम को उसने शुरू किया 1910, 1894, यहां तक उसने चीन और रूस के क्षेत्रों को भी जीत लिया और एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में जापान 19वीं सदी में विश्व पटल पे उभरा। दिस ऑल इंफॉर्मेशन गिवन बाय मी इन योर प्रीवियस क्लास, माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कि एक नन्हा सा राज्य जापान तेजी से विकास के पथ पे आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसने इतनी प्रगति कर ली कि वो एशिया का पहला विकसित राष्ट्र बन गया। अपनी संस्कृति, अपने आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को 1894 में हराया और 1905 में रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को पराजित कर दिया। 1894 में जापान ने चाइना रूस कहता धीरे धीरे एक बड़े क्षेत्र पे ताइवान को जीता, कोरिया को जीता, चाइना को जीता, देयर आफ्टर रशिया को जीता। तो कहता है कि धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य की सीमाएं बढ़ानी शुरू कर दी। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, एक छोटा सा द्वीप, एक नन्हा सा द्वीप अपने साम्राज्य की सीमा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा था और चीन आंतरिक गृह युद्ध से पूरी तरह से जूझ रहा था। किंग डायनेस्टी की सत्ता उसके हाथों से निकल चुकी थी, देश में चारों तरफ अराजकता व्याप्त हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में चीन को भी आगे बढ़ना था। इन दोनों की हिस्ट्री को हम इस चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। माय डियर, व्हाट आई एम टेलिंग यू, स्टेप बाय स्टेप इन चीजों को समझते चलिए। ओके, कहता है कि अब इसके बाद मॉडर्न वर्ल्ड के सामना करने के लिए चीन ने अपने को एक बार फिर से डिफाइन करने का प्रयास किया। ही एनालिसिस दैट प्रॉब्लम कि क्यों नहीं वो आगे बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने अपने को वेस्टर्न पावर से फ्री करने के लिए पैट्रियाटिक फीलिंग्स बढ़ाई, जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने पाया
कि असमानताओं को हटाने और अपने देश की पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वो क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा, विदाउट रिवोल्यूशन दे कांट बी सक्सेस इन देयर एम। सो दैट्स व्हाई इट मस्ट फॉर द चाइनीज प्रेस्टीज अ रिवोल्यूशन शुड बी इन चाइना। एक क्रांति होनी चाहिए चाइना, एक ऐसी क्रांति जिसे चाइना का विकास हो। 1949 चीन में एक पार्टी का गठन किया गया। 1949 दैट वाज द टाइम व्हेन अ रिवोल्यूशन हैपेंड इन चाइना। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ, समाजवादी मार्क्सवादी आंदोलन हुआ, और इस साम्यवादी आंदोलन ने 1894 के बाद सिविल वार में विजय प्राप्त कर ली। और इस सिविल वार में विजय के बाद चीन ने अपने विकास की एक नई परिभाषा लिखने का प्रयास किया। एक चीज क्लियर हो गई, डेमोक्रेसी खत्म, मोनार्की खत्म, चीन में सोशलिस्ट गवर्नमेंट प्रॉपर फॉर्म में डेवलप्ड हो गई, विकसित हो गई। चीन में प्रॉपर फॉर्म में गवर्नमेंट सोशलिस्ट की आ गई। सोशलिस्ट रिवोल्यूशन के बाद 1849 में, और फिर 1907 के डिकेड्स तक आते आते 1970 के डिकेड्स तक आते आते जो चीनी नेताओं थे, चाइनीज लीडर थे, उनको ये लगने लगा कि जब तक हम थोड़ा ओपन नहीं होंगे, जब तक हम उन परिस्थितियों से रूबरू नहीं होंगे जो विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है, जो विकास के मार्ग पर देश को ले जाती है, तब तक हमारा डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो सकता। सो 1970 के डिकेड्स के आखिरी तक चाइनीज लीडर को लगने लगा था कि देश की विचारधात्मक विचार जो थी उस व्यवस्था में वो आर्थिक विकास में बाधक बन रही है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के में बाधक का काम कर रही है, और फिर उन लोगों ने कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की बात की, ओपन मार्केट की बात की, और फिर राजनीतिक विचारधारा में थोड़ा बदलाव चीन के आया और चीन ने इस पूरी व्यवस्था को एक्सेप्ट कर लिया। जापान उन्नत औद्योगिक राष्ट्र के रूप में बदल रहा था, बन रहा था, और दूसरी तरफ चीन ने भी विकास की गति प्राप्त कर ली। धीरे धीरे वो विकास की ओर अग्रसर होने लगा। जापान अपने इंपीरियल डेवलपमेंट के लिए, अपने इंपीरियल एक्सपेंशन के लिए कई सारे युद्धों में अपने को झोंक दिया। 1945 इंडो, या ऐसे कहें कि अमेरिका और ब्रिटिश सैन्य शक्तियों के सामने उसे हार माननी पड़ी 1945 में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आप जानते ही हैं, जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बम गिराया, परमाणु बम, पूरी तरीके से जापान की अर्थव्यवस्था, पूरी तरीके की जापान की सोसाइटी, पूरी तरीके से पूरा का पूरा क्षेत्र जापान का नष्ट हो गया। लेकिन ये उतनी ही आश्चर्य की बात थी कि एक तरफ तो जापान पूरी तरीके से 1945 के बाद बर्बाद हो गया, लेकिन 1945 के बाद भी उसने तेजी से अपने विकास को, विकास की गति को जारी रखा, और आज भारत जैसे बड़े राज्यों, बड़े राष्ट्रों से। One more thing which I want to tell you, that when I am telling that state, in the political terms state it means country. So that's why please don't be confused ki state ka matlab राज्य है, हम राज्य की बात कर रहे हैं, नहीं, राज्य का मतलब राष्ट्र की बात कर रहे हैं, एक कंट्री की बात कर रहे हैं। तो जापान एशिया के विकसित राष्ट्रों में आज भी अपनी उपस्थिति बनाए रखा है। तो एक लंबे उतार चढ़ाव के बाद
हमने दो और पॉइंट लिखे जिसको आपको याद करना चाहिए, नोट करना चाहिए। पॉइंट थी वो मैंने आपसे कहा कि डेट था 1949 जब सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुआ एसआर, कहां पे? चाइना में। और फिर 1970 का डिकेट जब आया, ये डेट थी किसकी? 1970 के डिकेट्स में अब लिबरलाइजेशन की बात की जाए, नहीं लिबरलाइजेशन की बात की, ओपन मार्केट की बात की गई। इट मींस जो काम जापान ने बहुत पहले किया था, अब 1970 के डिकेट्स में चाइना ने वो काम करना शुरू किया। और तरीके से चाइना में, माय डियर, इट इज वेरी स्ट्रेट मैटर दैट इन इंडिया वी स्टार्टेड लिबरलाइजेशन ड्यूरिंग मनमोहन सिंह पीरियड। आई मीन टू से दैट कि जब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी थे, मनमोहन सिंह जी के एडवाइस पे भारत ने भी ओपन मार्केट और लिबरलाइजेशन की बात शुरू की। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 1991-92 की घटना ही है। और फिर हम चाइना 1970 में ये काम किया, हमने 1991-92 में ये काम शुरू किया, तो ऑब्वियसली हम उसके सामने पीछे थे। तो ये हमारी एक तरीके से क्या थी, हमारी फेल्योरनेस, या हम ऐसे कह दें कि फेल्योरनेस ना कहें बल्कि हम कहें कि हम उन चीजों को थोड़े दूसरे तरीके से ले रहे थे, क्योंकि हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ था और हमारे सामने कई सारी डिफिकल्टीज थी। तो हम लोगों ने उन चीजों को आधार बनाते हुए धीरे धीरे विकास के पथ पे आगे बढ़े। ओके, तो ये था एक इंट्रोडक्शन चीन और जापान के बारे में समझने के लिए। जब हम एक एक चैप्टर को ढंग से पढ़ें, ओपन करके देखें, तो हमें पूरी कहानी, पूरी स्टोरी जापान की और चाइना की दिखेगी। चीन और जापान में एक सबसे अच्छी बात है वो ये, यहां के लोग अपने इतिहास को लिखने का काम करते हैं, हिस्ट्री राइटिंग। और इन देशों में ये लोग ऐसा मानते हैं कि इतिहास शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक है। हिस्ट्री इज अ वेरी गुड, आई मीन टू से दैट गाइड, हम कह सकते हैं कि क्या करता है, गाइड करता है किंग को, गवर्नमेंट को, शासन को। क्यों कहता है कि ये वो, दैट इज द बेस्ट मीडियम, कि हम यहां से क्या कर सकते हैं इतिहास के माध्यम से उन चीजों को समझ सकते हैं जो चीजें पहले घटी। और ऐसा इसलिए संभव हुआ, ऐसा यह माना जाता है इसलिए कि अतीत के मानक को इतिहास आसानी से एक्सप्लेन करता है, इसके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है, इसके आधार पर गलतियां सुधारी जा सकती हैं। ये इतिहास ही है जिससे हम पुराने अध्ययन को एक बार फिर से समझ सकते हैं यदि इतिहास लिखा हो तो। इसीलिए शासकों ने अपनी देखरेख में अभिलेख लिखवाए, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, उसके लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। और फिर सियान छियन 45-90 को प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाने लगा। आप बुक देखिए, सिमा किमेन लिखा है, सिमा किमेन जो 45-19 बीसी के थे, उनको एक ग्रेट हिस्टोरियन माना जाता था चाइना का। माय डियर स्टूडेंट, लेट मी समराइज व्हाट वी रीड, हमने आज क्या पढ़ा, इन चीजों पे बातें करते हैं। और फिर आपको सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन व्हाट वी रीड टुडे। माय डियर स्टूडेंट, आई टोल्ड यू स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास दैट टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जापान एंड चाइना एंड देयर पथ टू मॉडर्नाइजेशन। ऑल्सो वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर। आई ऑल्सो टोल्ड यू दैट इन माई लास्ट क्लास
आई विल कंप्लीटेड दिस चैप्टर नॉट वन टाइम टू टाइम्स दिस इज माई थर्ड टाइम वेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ शोर्स माई डियर स्टूडेंट आई टोल्ड यू दैट इन एशिया कॉन्टिनेंट देर आर टू कंट्रीज जापान एंड चाइना जापान इज वेरी लिटिल बिट बट चाइना दैट इज वास्ट द डेमोग्राफी ऑफ जापान एंड चाइना दैट इज जस्ट अपोजिट चाइना इट वॉज ड्यूरिंग 18th सेंचुरी द पावरफुल एम्पायर ड्यूरिंग 19th सेंचुरी ऑल्सो till 20th century, which we had seen that ki China, the different communities, different groups who controlled China as a powerful rulers. But what happened in 20th century? China was controlled by Qing dynasties. The Qing dynasties was very powerful. But after some time, we had seen that in China, a lot of civil war was started. The political crisis that was risen in China and the economy, industry that was not completely developed, but just opposite, the small state, Japan, he started there. Colonial, I mean to say this, it started to establish their colonial empire along with their economical development. During 1894, he conquered the Taiwan. During 1894, he also conquered the China. 1910, Korea, and 10 also the Russia. रसिया कोरिया ताइवान जापान ने इन सारे क्षेत्रों को जीता अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया माय डियर स्टूडेंट इट इज द वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्ट्रेंज मैटर आफ्टर सम टाइम चाइना फेल्ड दैट कि इफ यू वांट टू डेवलप आवर कंट्री फर्स्ट वी शुड want to change our society. So that's why our revolution must be in our country. Revolution happened. 1949, the socialist revolution happened in China. And the political system controlled by the socialist government, Mao. 1949, to 1970s, China tried to develop, China tried to modern, but he faced so many difficulties. The decades of 1970s, the Chinese leader felt that if we really want to develop, then we have to change our ideology. And they emphasized the capitalism. They emphasized the open market. They emphasized the some Western culture also. My dear, they did it. 1970s, they started the liberal policy. They opened their open market for all and the different steps taken by China to develop their country. अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए चाइना ने तमाम सारे स्टेप उठाए. My dear, it is also very important that कि Chinese and Japanese both, they believe that history is one of the best option to understand our faults which happened, which we did in past.
चाइनीज एंड जापानीज बोथ इन फेवर ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, दोनों ने किया भी, इतिहास लिखवाया। सेन चिमा का नाम मैंने लिया, सेन चिमा 45 to 1900 BC, ही वाज़ द ग्रेट हिस्टोरियन ऑफ चाइना, ही रोट द डायनेस्टीज हिस्ट्री, द डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस वाज रिटन बाय चाइनीज रूलर्स द डिफरेंट पीरियड, भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न अभिलेख लिखवाए गए, इतिहास लिखा गया। और फिर ये इतिहास अपने में अपनी एक अलग महत्ता, अपनी एक अलग विशेषता स्थापित करता है। आई होप यू आर गेटिंग अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल कंटिन्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन आवर नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।